भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गुना के शताब्दी वर्ष 2020 के अंतर्गत एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन आज प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय गुना में किया गया। सर बताएं, रक्तदान शिविर लगाया गया आज रेड क्रॉस का 100वां स्थापना दिवस है। इस शताब्दी समारोह के अंतर्गत 20 फरवरी को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखे गए हैं। ये पूरे प्रदेश भर में ही है, लेकिन हमने गुना में हमारे सभी साथियों के साथ में मिलकर एक थैलेसीमिया रोग निदान एवं परामर्श शिविर भी रखा है। तो इसमें सबसे अच्छी भूमिका सुबह से ये पंचायत सचिव संगठन ने की है। इनके अभी तक जो है 20 यूनिट इनका रक्तदान हो चुका है। थैलेसीमिया वाले लोगों को, जो बच्चों को लाभान्वित करने से जो हमारा उद्देश्य है कि जिला स्तर पर इनका ये पहला शिविर है, लोगों का इनके तरफ ध्यान जाए, क्योंकि इनके जो माँ बाप हैं किस तरह से इनको एक महीने में 15 दिन में किस तरह से ब्लड का इंतजाम करते हैं और उनकी सारी कठिनाइयों का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इनको अब भारत सरकार द्वारा दिव्यांग श्रेणी में भी लिया गया है, तो उनके लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। इनको अवश्य आरोन नगरी प्रशासन एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह रहे आरोन दौरे पर, नगर में अनेकों कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गुना द्वारा ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय गुना में आज 9 बजे से 4 बजे तक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में थैलेसीमिया रोग से पीड़ित चिन्हित बच्चों की जाँच की गयी एवं रक्तदान संबंधित पत्र प्रदान किए गए। आज ये कार्यक्रम रेड क्रॉस में आयोजित किया गया है। इसमें जो लोग थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चे हैं उनका चिन्हांकित किया जाएगा तथा उनको एक कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उस कार्ड के जरिए उन्हें जब भी अस्पताल में आएंगे उनको फ्री रक्त दिया। आज महाविद्यालय में छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते फॉर्म भरने में समस्याएं आ रही हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाया जाए, जिसके चलते छात्र फॉर्म भर सके। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की तरफ से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज यहाँ पर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सभी कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी आज लास्ट डेट है। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया की कई खामियों के चलते बहुत सारे लोगों के नामांकन जनरेट नहीं होने के चलते, फॉर्म अप्रूव नहीं होने के चलते एग्जाम फॉर्म भरे नहीं गए। इसलिए हम लोगों ने आज अपील की है कि महाविद्यालय प्रशासन जीवाजी विश्वविद्यालय से बात कर एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ाए। साथ ही साथ स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम को लेकर हमने प्राचार्य से बात की। प्राचार्य ने आश्वासन दिया कि वो ऊपर बात करेंगे। माइनिंग पखवाड़े के दौरान खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर डंपरों को किया गया जब्त। योजनाबद्ध तरीके से खनिज विभाग द्वारा धरपकड़ कार्रवाई की गई। अवैध परिवहन कर रहे चार ट्रैक्टर चालक भागने के लिए बाकी ट्रैक्टरों को पकड़कर थाने में भिजवाया गया। जैसा कि हमारा माइनिंग पखवाड़ा चल रहा है, पखवाड़े के दौरान लोगों को लक्ष्य मिला होता है कि जितने भी अवैध रूप से रेत के परिवहन हो रहा है उस पर कार्रवाई करना है। इसी दिशा में मैंने कल रात को बैठ के योजना बनाई थी कि यहाँ पे जो 200 ट्रैक्टर लोग शिकायत कर रहे हैं, निकलते हैं, उनको सुबह 7 बजे प्लानिंग करके उनको धरपकड़ी कार्रवाई की गई। जो अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक थे उनमें से 4 ट्रैक्टर चालक भाग गए, बाकी ट्रैक्टरों को पकड़कर और पुलिस थाने में जब्त करके सौंपा गया। सर, ये कहाँ से पकड़े गए? ये स्टेडियम, गुना स्टेडियम में आगे खड़े होते हैं, वहाँ से पिकअप करते हैं, वहाँ से स्टेडियम से पकड़कर उनको। आज यातायात पुलिस द्वारा बुलेट बाइक चालकों पर कार्रवाई की गई। जो बुलेट बाइक चलाते हैं और जिन बाइक में आवाज करने वाले साइलेंसर लगे होते हैं, जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है, आज चालकों को रुकवा कर आवाज करने वाले साइलेंसरों को पुलिस द्वारा निकलवाया गया। श्री जिन माता शिव समिति के मार्गदर्शन में कल 19 फरवरी को बुधवार को जिन माता का मंगल पाठ मानस भवन में संपन्न हुआ। समिति के विवेक गर्ग ने बताया कि सुनील शर्मा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा द्वारा किया गया, जिसमें समिति के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से पाठ किया। आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा DRM को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि गुना बीना कोटा बीना के बीच की ट्रेनें
मेंटेनेंस के नाम पर रद्द कर दी जाती हैं। वर्तमान में भी ट्रेनें बंद हैं, जिसको लेकर उन्हें पुनः चालू करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। आज हम यहाँ रेलवे स्टेशन पर ज्ञापन देने के लिए आए थे और DRM आए थे, आज सुबह भी आए थे और पहले भी आए। हमने बार बार ये इस बात से अवगत कराया है कि गुना से भोपाल जाने की ट्रेन, बीना जाने की ट्रेन अक्सर रद्द चल रही है। अभी भी भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी वो रद्द चल रही है, गुना तक आती है, गुना से वापस चले जाती है। हमारा ये कहना है कि जनता के पास एकमात्र साधन है जो सस्ते दामों पर आम आदमी भोपाल जा सकता है, सरकार उसको भी रद्द कर रही है। वो कह रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर रद्द है, लेकिन मालगाड़ी को नहीं रोक रहे हैं। मालगाड़ी से भाड़ा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जनता से पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए बंद कर देंगे। ये सेवा क्षेत्र है, इसे चलते रहना चाहिए। दूसरा, भोपाल जोधपुर कल से चालू हुई है, वो भी काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। टीम युवा शक्ति द्वारा दीनाक 21 को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के युवाओं के माध्यम से शहर के हनुमान चौराहे पर स्थित शिव मंदिर पर शाहूदाने की खीर प्रसादी रूप में वितरण की जाएगी, जिसमें टीम द्वारा सभी को आमंत्रित किया गया है। आज श्रम मंत्री महर्षि सिसोदिया ने मंडी में तुलावटी एवं व्यापारियों के साथ बातचीत की एवं पिपरौदा से जोड़ने वाला मंडी गेट खुलवाने का दिया आश्वासन। राधोगढ़ में शासकीय महाविद्यालय राधोगढ़ के रसायो इकाई द्वारा चलाए जा रहे शिविर के दौरान पंचम दिन स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं सामाजिक कुरीतियों जैसे विषय पर जन जागरण का कार्य किया गया। गुना बीना के बीच रेल यातायात पुनः बहाल। गुना बीना के बीच निरस्त गाड़ियां कल से पूर्व की भांति अपने यथावत समय अनुसार ही चलेंगी। मकसूदनगढ़ तहसील की टीम मकसूदनगढ़ ईंट भट्टे पर बने मुक्ति धाम का सीमांकन करने पहुंची। तहसील के कर्मचारियों ने ईंट भट्टे के चारों ओर नापतौली की। नापतौली के बाद मुक्ति धाम की सीमा भी नगरवासियों को तहसील के अधिकारी कर्मचारियों ने बताया। बता दें कि ईंट भट्टे पर बने मुक्ति धाम पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने मकसूदनगढ़ तहसीलदार सहित राधोगढ़ SDM को ज्ञापन सौंपा था। तो इसमें कितनी जमीन निकली है मरगट साला की? इसका सर्वे नंबर है 296 जीरो, रकबा है 0.397 हेक्टर जी। तो इस पे क्या अतिक्रमण भी पाया गया है सर? अतिक्रमण पाया गया है, 3 लोगों का मकान बना है। तो क्या नापने के बाद आगे की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा? वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी, है ना? गुना जिले के आरोन शहर में आज रामलीला मैदान आरोन पर रजक समाज द्वारा सम्मेलन समिति का चयन किया गया, जिसमें नगर एवं ग्रामीण अंचल से रजक समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां पर रजक समाज सम्मेलन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। मीटिंग रखी और इसके उपलक्ष्य में हम सम्मेलन का प्रावधान कर रहे हैं। अच्छा। आप गरीब बच्चों का ब्याह शादी हो उनके लिए सारी सुविधाएं मिले, सरकार की सुविधा मिले तो मिले, न मिले तो हम सब लोग समाज के मिलजुल के सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। विशाल रैली के साथ आज दिनांक 20 बा 21 दो दिवसीय संगीत में सत्संग शिव कथा का आयोजन रखा गया। इसमें देवभूमि तीर्थ हरिद्वार से परम पूज्य सदगुरु सतपाल जी महाराज की परम शिष्य महात्मा कल्पना वाई जी एवं महात्मा शारिका वाई जी, महात्मा धर्मावती वाई जी अपने महात्मा सुनिधि बाई जी के मुखारविंद से शिव कथा का धर्मशास्त्रों के आधार सत्संग विचार रखे। अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। पुरानी छावनी में 25 वर्षीय राहुल कुशवाहा पुत्र राजेश कुशवाहा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पारिवारिक समस्या से तंग आकर फांसी लगाना बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। SL मेमोरियल स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन कर यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को पढ़ाया यातायात का पाठ।
गुना पुलिस अधीक्षक तरुण नायक के निर्देशानुसार आज दिनांक 20/2/2020 को डीएसपी यातायात मुकेश दीक्षित के मार्गदर्शन में प्रभारी यातायात सूबेदार दीपक साहू के नेतृत्व में सूबेदार अविनाश सुमरिया द्वारा अपनी यातायात की टीम के साथ स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए प्रातः नगर के SL मेमोरियल स्कूल में यातायात जागरूकता हेतु सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा शीर्षक के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश में चल रहे एंटी माफिया अभियान के तहत गुरुवार को सिंध नदी में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासन ने 2 जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली सहित पंडुबकी में इस्तेमाल होने वाले पाइप जब्त किए। वहीं मौके पर मिली पंडुबकी को आग लगाकर नष्ट किया। SDM शिवानीगर के नेतृत्व में अमला रोरी गाँव से सिंध नदी के घाट पर पहुंचा। अमले को देखकर पंडुबकी मौके पर छोड़कर फरार हो गए।